नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 3 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बंगाल में दीदी को मिली जीत पर बिहार में भी दिखी खुशी है। नियोजित शिक्षक और पुस्तकालाध्यक्षों के आश्रितों को सरकारी नौकरी एवं पेंशन देने की उठी मांग। प्रशांत किशोर ने चुनावी रणनीति काल पद से इस्तीफा देने का किया ऐलान। अब इस आधार पर CBSE 10वीं के छात्रों को किया जाएगा पास। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मुजफ्फरपुर के श्री राम मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। यह मंदिर जिले के साहू पोखर के छोटे से गांव में स्थित है। इस विशाल मंदिर में कई देवी देवताओं के मंदिर हैं और इन्हीं मंदिरों में से एक ऐसा मंदिर है जिनमें भगवान शिव का बड़ा सा शिवलिंग है। कहा जाता है कि यह शिवलिंग भारत में तीसरा सबसे बड़ा शिवलिंग है। अगर संख्या की दृष्टि से देखें तो मुजफ्फरपुर के सारे मंदिरों में सबसे ज्यादा श्रद्धालु की भीड़ यहीं पर आती है। पटना में शुरू हो जाएगा 113 बेड का एक और कोविड-19 अस्पताल। पटना वासियों के लिए मंगलवार का दिन बेहद ही राहत भरा साबित होने वाला है। अस्पतालों में बेड की कमी की लगातार शिकायत आने के बाद पटना में मंगलवार से 113 बेड का एक और कोविड-19 अस्पताल शुरू होने वाला है। इतना ही नहीं, हर एक बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोविड-19 प्रभावितों के इलाज शुरू होने वाली है। अस्पताल शुरू होने से पहले पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर में कोविड केयर अस्पताल के लिए हर बेड पर ऑक्सीजन आपूर्ति की रन एंड ट्रायल देखने को मिला। आपको बता दें कि दिल्ली के संस्थान डॉक्टर्स फॉर यू और केयर इंडिया की मदद से सभी बेड पर ऑक्सीजन की सेवा मरीजों को सुलभ होगी। IMA ने कोविड-19 के माहौल में इलाज की विकट समस्या का ढूंढा समाधान। कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच IMA ने इलाज के विकट समस्या का नया समाधान ढूंढ लिया है, जिसके तहत IMA की तरफ से 54 डॉक्टरों की सूची जारी कर दी गई है जो मोबाइल पर आपको डॉक्टरी सलाह देंगे, वहीं वो भी मुफ्त में देंगे। इसके साथ ही सूची में शामिल डॉक्टरों ने निःशुल्क सेवा देने की अपनी सहमति दे दी है। सभी डॉक्टर हर दिन 2 घंटे फोन पर मरीज का इलाज करेंगे। टेलीफोन पर इलाज करने वाले डॉक्टरों ने अपनी सुविधा के अनुसार समय तय कर लिया है। अब इस आधार पर 10वीं के छात्रों को किया जाएगा पास। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाल ही में CBSE ने 10वीं की परीक्षा को रद्द करने का फैसला सुनाया था। वहीं अब CBSE की तरफ से परीक्षा परिणाम 20 जून को जारी करने का फैसला आया है। हालांकि छात्रों को किस आधार पर पास किया जाएगा इस बात का भी खुलासा किया गया है, जिसके तहत कुल 100 नंबर को 20 नंबर और 80 नंबर में बांटा गया है। स्कूलों द्वारा बोर्ड परीक्षाओं के लिए किए गए इंटरनल मार्किंग के आधार पर 20 नंबर दिए जाएंगे। बाकी 80 नंबर छात्रों को स्कूलों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन के आधार पर 80 नंबर में से 10 नंबर पीरियोडिक यूनिट टेस्ट और 30 नंबर अर्धवार्षिक और 40 नंबर प्री बोर्ड के आधार पर मिलेंगे। यह नई मार्किंग पॉलिसी छात्रों द्वारा चुने गए 5 मुख्य विषयों के स्कोर की गणना के लिए है। नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालाध्यक्षों के आश्रितों को सरकारी नौकरी एवं पेंशन देने की उठी मांग। बिहार में कोविड-19 लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच संघ की तरफ से हाल ही में नियोजित शिक्षक और पुस्तकालाध्यक्षों के आश्रितों को भी सरकारी नौकरी और पेंशन देने की मांग उठाई गई है, जिसके तहत ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एजुकेशन एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव शैलेंद्र कुमार शर्मा और राज्य पार्षद सह पूर्व सदस्य शैक्षिक परिषद जयनंदन यादव ने राज्य सरकार से कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालाध्यक्षों को भी राज्य के अन्य कर्मियों की भांति 50 लाख रुपए मुआवजा, आश्रितों को सरकारी नौकरी एवं विशेष पारिवारिक पेंशन देने की मांग की है। राजद नेता श्याम रजक ने बंगाल का असर बिहार में दिखने की कही बात। बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा बीते दिन हो गई है, जहां पर दीदी को एक बार फिर से प्रचंड जीत हासिल हुई। वहीं इसी बीच बिहार में भी चुनावी परिणाम का असर दिखने लगा है। यही कारण है कि राजद नेताओं की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं। इसी क्रम में राजद नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने अपना बयान जारी करते हुए हाल ही में दावा कर दिया है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम का असर बिहार में आने वाले समय में देखने को मिलेगा और दूसरे राज्यों पर भी देखने को मिलेगा। उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि बंगाल की जीत के बाद केंद्र को बड़ा झटका लगेगा और जब केंद्र पर असर पड़ेगा तो बिहार में असर पड़ना तय है। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को स्टेपनी बाबू बताया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो स्टेपनी बाबू है। ऐसे में बंगाल चुनाव परिणाम के बाद बिहार सरकार पर असर पड़ना तय है। प्रशांत किशोर ने चुनावी रणनीतिकार पद से इस्तीफा देने का किया ऐलान। बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद चुनावी रणनीतिकार और बिहार से निकले प्रशांत किशोर ने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत समाचार एजेंसी PTI के अनुसार चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि वो इस स्थान से हट रहे हैं और आगे किसी दल के लिए रणनीति नहीं बनाएंगे। यानी प्रशांत किशोर ने चुनावी प्रबंधन और IPAC का काम छोड़ने का ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि चुनावी प्रबंधन और IPAC का काम छोड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि वो ये काम छोड़ रहे हैं क्योंकि वो अब कुछ और करना चाहते हैं। किशोर ने आगे कहा कि निर्वाचन आयोग भाजपा के सहयोगी की तरह काम करता रहा है। उन्होंने कहा कि वो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अपने चुनावी प्रबंधन में लड़े गए विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और DMK की जीत से काफी खुश है।
आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे कबीर कौशिक की। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। समय समय पर बिहार की प्रतिभाओं ने बिहार का नाम बढ़ाने का काम किया है। इसी क्रम में हम आज बात करेंगे कबीर कौशिक की। कबीर कौशिक एक भारतीय फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक है। पटना में एक बिहारी परिवार में जन्मे और पले बढ़े और नई दिल्ली के फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल में स्नातक हुए। उन्होंने 2005 में सेहर के साथ डेब्यू किया। आपको बता दें कबीर कौशिक का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उन्होंने अपने निर्देशन के करियर में सेहर, चमकू, हम तुम और घोस्ट मैक्सिमम जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। कबीर कौशिक साल 2005 में लगातार फिल्म डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर शांति जैन और जाने माने कवि भगवान प्रलय ने दुनिया को कहा अलविदा। पद्मश्री शांति जैन ने बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया है। शांति जैन शनिवार की शाम 6 बजे खिचड़ी खा कर अपने कमरे में गई थी, जिसके बाद तबियत नासाज होने के बाद वो सोने चली गई। सुबह उनका शव कमरे से मिला। शांति जैन का ड्राइवर जब उनके घर पहुंचा तब उनका दरवाजा नहीं खुला। उनके आसपास के लोगों को इकट्ठा किया गया और दरवाजा तोड़कर देखा तो शांति जैन अपने बेड पर पड़ी हुई थी। जानकारी के अनुसार कोविड का टेस्ट कराने के लिए जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि शांति जैन को साल 2009 में संगीत नाट्य अकादमी का राष्ट्रीय सम्मान राष्ट्रपति द्वारा मिला था, तो मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2008 में राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान दिया था। अंकिका और मैथिली भाषा के जाने माने कवि भगवान प्रलय ने भी बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया है। उप मुख्यमंत्री ने अपने गृह जिले के कोविड 19 अस्पताल का किया दौरा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपने गृह जिला कटिहार का दौरा बीते दिन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया और कोरोना को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग की तैयारी का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान लगभग 10 सालों से बंद आईसीयू की वेंटिलेटर सेवा दोबारा शुरू कराए जाने पर उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान यह अति आवश्यक सेवा है। वहीं इसी बीच मीडिया से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 2011 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने इसकी शुरुआत की थी। बंगाल में दीदी को मिली जीत पर बिहार में भी दिखी खुशी की लहर। बंगाल में बीते दिन हुए मतगणना में ममता बनर्जी को शानदार जीत मिली, जिसका असर बिहार में भी देखने को मिला। भाजपा को हराने के इरादे से बंगाल की धरती पर उतरे तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने दीदी को जीत की बधाई दी, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सभी बाधाओं के खिलाफ इस ऐतिहासिक जीत पर ममता बनर्जी को हार्दिक बधाई। मैं आपको अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देता हूं। मैं बंगाल के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने पूरी ईमानदारी से दीदी के लिए मतदान किया है और भाजपा के विट्रियल और विभाजनकारी प्रचार के लिए नहीं गिरे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी की जीत पर कहा कि पश्चिम बंगाल की ममता मई जनता को कोटि कोटि बधाई और हार्दिक साधुवाद। लोजपा नेता अनिल उरांव की जान जाने पर चिराग पासवान ने जताया दुख। लोजपा आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और मनिहारी विधानसभा से पार्टी प्रत्याशी रहे अनिल उरांव को कुछ दिनों पहले ही अपराधियों ने अगवा कर लिया था। उसके बाद बीते दिन उनके गुजर जाने की खबर सामने आई है, जिसके बाद पूरे पार्टी में शोक की लहर देखने को मिली। जिसके बाद चिराग पासवान ने भी अपना बयान जारी करते हुए कहा कि अनिल उरांव बेहद मिलनसार थे, अपहरण कर उनकी जान ले ली गई है। अनिल उरांव के अपहरण की सूचना मिलने के बाद वो 2 जिले के पुलिस अधीक्षक से संपर्क में थे ताकि किसी तरह उनकी जान बच सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वाक्य ने एक बार फिर से बिहार में कानून व्यवस्था की हकीकत को बयान कर दिया है। इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उनके परिजनों को शक्ति प्रदान करे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी के भाई ने कोविड 19 के कारण गवाई जान। कोविड 19 ने कई लोगों की जिंदगी ले ली है। कई मशहूर लोग भी इसकी चपेट में आकर दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। इसी क्रम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के भाई ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया है। खबरों की माने तो कुछ समय पहले वो कोविड 19 की चपेट में आ गए थे। इसकी जानकारी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने खुद ट्वीट करके दी है, जिसके तहत उन्होंने लिखा कि 65 वर्षीय छोटे भाई अशोक कुमार मोदी का बीते दिन दोपहर 2:45 पर कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया है। पटना के डॉक्टर ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं बचा पाए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें सुशील कुमार मोदी के 3 भाइयों में अशोक कुमार मोदी सबसे छोटे थे। बिहार में मिले कोविड 19 के 13,000 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर के 13,534 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1,09,945 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 218, अरवल में 237, औरंगाबाद में 410, बांका में 72, बेगूसराय में 569, भागलपुर में 535, भोजपुर में 92, बक्सर में 143, दरभंगा में 125, ईस्ट चंपारण में 239, गया में 544, गोपालगंज में 365, जमुई में 101, जहानाबाद में 107, कैमूर में
73, कटिहार में 374, खगड़िया में 223, किशनगंज में 83, लखीसराय में 90, मधेपुरा में 299, मधुबनी में 351, मुंगेर में 134, मुजफ्फरपुर में 291, नालंदा में 611, नवादा में 131, पटना में 2748, पूर्णिया में 483, रोहतास में 248, सहरसा में 428, समस्तीपुर में 268, सारण में 376, शेखपुरा में 306, शिवहर में 50, सीतामढ़ी में 165, सिवान में 220, सुपौल में 295, वैशाली में 805, वेस्ट चंपारण में 652 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 73 ऐसे मामलों की पुष्टि हुई है जो दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम बीते दिन के पिछले 24 घंटे की बात करें तो 11,694 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 384,955 पर पहुंच गई है। अब बेटा ईएसआईसी में 200 बेड पर होगा कोरोना मरीजों का इलाज। बेटा ईएसआईसी अस्पताल के 200 ऑक्सीजन बेड को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर बनाने का ऐलान किया गया है। इसके पहले यहां मात्र 50 बेड पर संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा था। इसको लेकर डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि अस्पताल के सभी बेड पर लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति उपलब्ध है। यहां करीब 500 ऑक्सीजन युक्त बेड है। अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज क्षमता होने की वजह से अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिले के ऑक्सीजन बॉटलिंग प्लांट पर दबाव दिए बिना इन 200 ऑक्सीजन युक्त बेड को कोरोना मरीज के लिए तत्काल उपलब्ध कराया जाए। पत्रकारों के लिए नीतीश सरकार ने जारी किया अपना फैसला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन पत्रकारों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर में शामिल कर दिया है। इसके तहत अब सभी पत्रकारों को वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया है कि सूबे में काम कर रहे सभी पत्रकारों को कोविड-19 वैक्सीन में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों के साथ ही गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी यह सुविधा देने का फैसला लिया है, जिसके बाद गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी से सत्यापन कराना होगा। अंतिम संस्कार में अवैध वसूली करने वालों पर अब होगी डीएम की नजर। कोरोना के माहौल में जान गंवाने वालों का अंतिम संस्कार के दौरान अधिक वसूली की शिकायत लगातार सामने आ रही है। हालांकि अब जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अपना बयान जारी करते हुए साफ कहा है कि कई माध्यमों से उन्हें शिकायत मिल रही थी कि शमशान घाटों पर कोरोना मृतकों का शव जलाने को लेकर के मनमाना वसूली किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महामारी से असमय जान गंवाने वाले लोगों का दाह संस्कार सरकारी व्यवस्था के तहत किया जाना है, लेकिन कुछ दलाल सरीके लोग जान गंवाने वालों के परिजनों से हजारों वसूली से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि गुलाबी घाट, बांस घाट, खाजेकला घाट और धावा दल के अधिकारी सक्रिय रहेंगे। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी रंजीत कुमार वर्मा को नोडल अधिकारी के रूप में मनोनीत किया है, जिसके बाद मनमानी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑक्सीजन किल्लत दूर करने की बिहार सरकार की कोशिश। कोविड-19 माहौल के बीच बिहार सरकार ने ऑक्सीजन की लगातार बढ़ रही मांग को देखते हुए ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की पहल की शुरुआत की है, जिसके बाद 4 पटना, 2 बेगूसराय, 2 औरंगाबाद, 2 भागलपुर, 2 मुजफ्फरपुर, 1 नालंदा, 1 गया, 1 दरभंगा, 1 पूर्वी चंपारण, 1 पूर्णिया, 1 गोपालगंज और 1 समस्तीपुर में संचालित है। समस्तीपुर में 1 नया प्लांट अगले 2 दिनों के बीच कार्यरत हो जाएगा। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बिहार को 214 एमटी का आवंटन दिया गया है, जिसमें से 14 एमटी का एयर सेपरेशन यूनिट से प्राप्त करने का निर्देश है, जो कि राज्य के अंतर्गत संचालित इकाइयां हैं। यहां उनसे प्राप्त किया जा रहा है। पटना से झारसुगोड़ा के लिए सीधी उड़ान की जल्द होगी शुरुआत। झारसुगोड़ा से पटना की दूरी काफी कम बताई जाती है। यही कारण है कि लगातार यहां से सीधे विमान को शुरू किए जाने की मांग हो रही थी, जिसके तहत ही यात्रियों की मांग को देखते हुए स्पाइस जेट की तरफ से पटना झारसुगोड़ा के लिए नियमित विमान सेवा शुरू करने की घोषणा की गई थी, जो अब शुरू हो गई है। इस विमान सेवा के शुरू होने से उड़ीसा में रहने वाले बिहारियों को अधिक खुशी हुई है। पहले यहां के यात्री वाया कोलकाता अथवा दिल्ली झारसुगोड़ा जाते थे, जिसमें 10-10 घंटे का समय लग जाता था। अब पटना से 1.25 घंटे में झारसुगोड़ा पहुंचने लगे हैं। इससे वहां रह रहे लोगों को अब अपना घर नजदीक लगने लगा है। विमान सेवा शुरू होने के साथ ही बड़ी संख्या में लोग यात्रा भी करने लगे हैं। कोरोना की लड़ाई में मदद के लिए विराट सेना आई आगे। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच जगह जगह से मदद का हाथ आगे बढ़ रहा है। इसी बीच अब मदद के लिए विराट सेना आगे आई है, जिसके तहत रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में ऑक्सीजन से संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय सहयोग का वादा किया है और आगामी मैच में खिलाड़ियों की विशेष नीली जर्सी की नीलामी करने की भी जुटाने की बात कही है। आरसीबी की अगुवाई करने वाले भारतीय कप्तान विराट कोहली ने फ्रेंचाइजीज द्वारा ट्विटर पर डाले वीडियो में मदद की बात कही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सोनू कुमार, मोनू सिंह, धीरेंद्र कुमार, सोनिया कुमारी, मीनाक्षी सिंह, साहिल कुमार, मीना कुमारी,
प्रहलाद जोशी, शंकर मुखिया, रीना पासवान, पप्पू कुमार, कुमार रवि, संजय कुमार, अजय कुमार, राम प्रताप सिंह, विकी कुमार, पंकज कुमार, कृष्ण कुमार, पुष्पम कुमार, आलोक कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार सरकार की तरफ से संविदा पर चिकित्सकों की हो रही बहाली से COVID-19 के रोकथाम में ये मददगार साबित होगा या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।